मराठी पुरण पोली। मराठी पुरण पोली के लिए मैंने चने की दाल ली एक कटोरी, इसको मैं पानी में भिगो के रख दूंगा। लगभग 10 से 12 घंटे तक इसको भिगोया जाएगा। ये मैं पानी में डाल देता हूँ, 10 से 12 घंटे तक भीगेगी। वही चने की दाल को उबलने के लिए रख देता हूँ। चने की दाल उबल गई हमारी, इसको मैं ब्लेंडर से थोड़ा पीस लूंगा, फिर इसको सुखाएंगे हम। बाउल में कर लेता हूं। अब मैं चने की दाल को सुखा लेता हूं फ्राई करके। इसके लिए मैंने एक चम्मच घी लिया और इसमें मैं मिला लेता हूं ये चने की दाल जो मैंने पीसी थी। इसको सुखा लेंगे। इसमें मैंने आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी मिला लिया। और इसको जब तक पकाना जब तक ये सूख जाए। अब मैं इसमें मिला लेता हूँ आधी चम्मच इलायची पाउडर और आधी चम्मच जायफल का पाउडर। और इसको मैं अब ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी, फिर इसको हम स्टफिंग का यूज करेंगे परांठे में। देखिए कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो गई है, स्टफिंग के लिए एकदम तैयार है। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेता हूँ और एकदम ठंडा होने के लिए रख दूंगा। जब एकदम ठंडा हो जाएगा तब हम पूरन पोली बनाएंगे। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेता हूँ। ठंडा होने के बाद हम महाराष्ट्रियन पूरन पोली बनाएंगे। गोला बनाऊंगा, पहले हाथ में हल्का सा तेल लगा लिया, फिर आटा लिया, उसके हिसाब से का बनाना है। ऐसे कंपेयर करा, देखिए बराबर है। एक गोला और तैयार कर लेते हैं। अगर छोटा लगे तुरंत ही आटा और मिला दें इसमें। छोटा नहीं होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए जितना हमने स्टफिंग का गोला बनाया उतना ही। ये दो गोले तैयार हो गए हमारे, ये दो गोले चने की दाल के पूरन पोली के हैं। चारों तरफ से आटे को खींच कर ढक देंगे। ये देखिए, अब इसको हम
हल्का सा पल्टन लगाकर हाथ से धीरे धीरे प्रेस करेंगे। हमने बहुत आराम से बनाना है, इसको फटना नहीं चाहिए, स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम एक बार पल्टन लगा लेंगे और हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया मिला, एकदम गोल बना है। बस प्रिकॉशन यही लेनी है कि इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। ये देखिए तैयार हो गया, इसको मैं रख देता हूँ और फिर सेकूंगा। इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लेता हूँ। गैस पे फुल फ्लेम पर नॉनस्टिक तवा रख दिया है। अब मैं इस पर अपनी बनाई हुई मराठी पूरण पोली सेकता हूँ। ये पूरन पोली हम एज डेजर्ट खा सकते हैं, चाय के साथ साथ शाम को स्नैक्स में खा सकते हैं, खाने को आप इसको ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। इसका बहुत टेस्टी है। ये मराठी पूरन पोली हमने सर्व करी व्हाइट चटनी, दही और एक मिठाई का पीस और थोड़ी सी जेम्स। चूँकि ये मीठा है इसलिए इसको इस तरह से मैंने सर्व किया। इसको आप डेजर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाहे तो लंच में भी ले सकते हैं।